नमस्कार, आज हम बात करेंगे कुछ प्रिकॉशंस की जिनका प्रयोग करके हम कोरोना नामक वैश्विक महामारी से लड़ पाएं। सबसे पहले तो आप घर पे ही रहें, बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें, और गवर्नमेंट्स के द्वारा जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं, जो गाइडलाइन मिल रही हैं, उनका ज़रूर पालन करें आप, सख्ती से पालन करें आप। अगर आपको घर से जाना भी पड़े तो दो तीन चीज़ों का विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा घर से जब भी निकलें तो मास्क डाल के ही निकलें, मास्क भी आपका डबल ट्रिपल लेयर वाला हो और पूरा कवर आपका हो, ये नहीं कि आपका जो मास्क है उसमें ऊपर से हवा जा रही है नीचे से जा रही है, ऐसा नहीं हो, पूरा अच्छी प्रकार से आपका फेस कवर होना चाहिए। और जब भी किसी व्यक्ति से मिलें, किसी से बात करें, किसी के संपर्क में आ पाएँ तो मन में रखें कि इसको कोरोना है और आपको इसे बचना है, तो आप ज़्यादा एहतियात बरत पाएंगे। उसके बाद जब आप घर पे आएँ तो पहला काम क्या करना है, आप अपने हाथों को साबुन से धोएं अच्छी प्रकार से, उसके बाद मुंह को धोएं, मास्क को निकाल के साइड में रख दें, उस मास्क को दोबारा यूज़ नहीं करना है जब तक आप उसको धो ना लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको गरारे करने हैं, गुनगुना पानी ले लें नमक डला हुआ, गरारे करें। गरारे करने से पहले एक क्रिया करें, कौन सी क्रिया, इसमें आपको धारना है जीव्या को बाहर निकाल के। कैसे करेंगे देखिए, जीव्या को बाहर निकालें और धाड़ेंगे, बाहर की साइड धाड़ना है आपको, इस प्रकार से ज़ोर ज़ोर से धाड़ेंगे आप, आपको खांसी भी आ सकती है, आए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद वो पानी आपको लेना है, गुनगुना पानी नमक मिला हुआ, उस गरारे आपको करने हैं, पानी अंदर ना जाने पाए, उसको पानी को घूट भरना है और अंदर ही मुंह में चलाना है 4-5 बार, फिर पानी को बाहर फेंक देना है। गरारे कैसे करने हम सभी को पता है। इस प्रकार से ये आपको 2 से 3 स्टेप करने जब भी आप घर से बाहर आएँ। दूसरा, कोई भी वस्तु आप बाहर से लेके आते हैं, स्पेशली जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, उनको ज़रूर आप धो लें, गर्म पानी से उनको ज़रूर धो के प्रयोग करें। ये नहीं कोई भी चीज़ आप बाहर से ले आए आपने उसको वैसे ही यूज़ कर लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद 4 स्टेप जो हर किसी को करने हैं सोने से पहले, वो 4 स्टेप कौन से हैं। प्रथम स्टेप में आपको गले से रगड़ खाती हुई श्वास को भरना है और रगड़ खाती हुई छोड़ना है, ये स्टेप आपको करना है। अब कैसे करेंगे इस स्टेप को, देखिए, जीव्या को मोड़ेंगे और ऊपर तालू पे आप लगा लेंगे और फिर श्वास भरेंगे, श्वास यहाँ से रगड़ खाती हुई जाएगी, फिर श्वास को छोड़ेंगे और जीव्या को सीधा कर देंगे। देखिए, जीव्या मैंने मोड़ी और ऊपर तालू पे लगा ली है, अब मैं श्वास भर रहा हूँ रगड़ खाते हुए, अब श्वास मैंने खाली कर दी। बीच में आपको खांसी भी आ सकती है, तो ये अच्छे संकेत होते हैं। एक बार पुनः करेंगे, तो इस प्रकार 3 से 4 बार आपको इस प्रकार से गले की सफाई करनी है, गले से रगड़ खाती हुई श्वास को लेना है, रगड़ खाती हुई छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वही आपको गुनगुना पानी नमक मिला हुआ लेना है और उसे आपको गरारे करने हैं। 3 से 4 बार आप गरारे करेंगे। गरारे करने के बाद जो 3rd स्टेप आपको क्या करना है, आप इसमें आप भाँफ लेंगे, पानी को आप उबालेंगे, उबलते हुए पानी में थोड़ी सी आप अजवाइन डाल लेंगे, फिर उसे आपको भाँफ लेनी है, अपने मुंह को उस बर्तन के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर तौलिया डाल लेंगे ताकि साइड से हवा ना आए। उसके बाद आपको लंबी लंबी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करनी है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, लंबी लंबी सांसें छोड़नी है। कैसे करेंगे, इस प्रकार से लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, जस्ट 1 से 2 मिनट तक आप उस टॉवल को अपने फेस से ही कवर करके रखेंगे और सामान्य सांसें लेते रहेंगे। उसके बाद तौलिए को आप हटाएं और लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, गाय के घी की 2-3 बूंदें दोनों नाकों में आपको टपकानी है, 2 से 3 बूंद इस नाक में, 2 से 3 बूंद इस नाक में। गाय का घी नहीं मिले तो आप बादाम रोगन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सो जाना है। उसके बाद जब सुबह आप उठें तो सुबह की जो शुरुआत है हमारी वो योग और प्राणायाम से होनी चाहिए। आप योग करें,
आप प्राणायाम करें, आप एक्सरसाइज करें, कोई भी इस प्रकार की क्रिया करें जिसमें आपका वर्कआउट हो जाए। और जो भी आप वर्कआउट करें उसमें इस प्रकार की क्रियाओं को ज़रूर शामिल करें कि उसमें आपका ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाए। खासकर जो ब्रीदिंग जो है, जिसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, आप विरेचन क्रिया कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को आप ज़रूर शामिल करें। इस प्रकार से आप सावधानी के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी को पराजित कर सकते हैं। तो इस जानकारी का लाभ आपके साथ साथ और भी उठा पाएँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें, अपने जो भी आपके नज़दीकी उन सभी तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का पूरा परिवार आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।